हेलो दोस्तों, सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। मैं संगीता स्वागत करती हूँ आपका आज के न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम से फिट होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अपने मायके आ रखी हूँ और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से। और अभी आप देख रहे हो हम हैं रास्ते में, तो अभी हम जा रहे हैं, मेरी मम्मी और अक्का जो है नया घर बन रहा है और वहाँ पे जो है काम करने जा रखे हैं मम्मी, और तो मैं भी जा रही हूँ वहाँ आज देखने के लिए कि कितना काम हुआ है, क्या काम कर रहे हैं। तो अभी तो मतलब बहुत सारा काम हुआ बाकी है, लेकिन कमरे वगैरह जो है छत वगैरह पड़ गई है। तो ये आप देख सकते हो, ये है हमारे मेरे मायके का लोकेशन। और अभी मैं जा रही हूँ रास्ते में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए और ये जो सामने घर दिख रहा है आपको, ये है मेरी मम्मी औरों का घर। और ये जो आप उस तरफ गांव देख रहे हैं, ये है धनपुर गांव। और उस तरफ जो आपको पीछे दिख रहा होगा, ये है अलेत गांव। तो ये भी धनपुर है और ये भी धनपुर गांव है। तो ये सामने से आ रहे हैं हमारे दादाजी गेहूं का भारा लेके। ये देखिए कहाँ हम जा रहे हैं अपने घर देखने। हाँ तो दोस्तों, ये देखिए ये चल रहा है हमारे यहाँ काम। तो आप देख सकते हो वहाँ पे, देखिए मेरा भाई बैठा हुआ है छाया पे, उसको धूप लग गई है शायद। तो ये है हमारा घर जो बन रहा है अभी। इस पे लगा रखे हैं दो कमरे, ये देखिए दो कमरे लगा रखे हैं। और अभी काफ़ी जो है काफ़ी काम पड़ा हुआ है। पीछे साइड जो है शायद किचन वगैरह बनेंगे, आगे ये थोड़ा सा बरामदा। और ये है यहाँ पे लेटरिंग का गड्ढा, शायद ये बन रहा है, हाँ वही होगा शायद। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मम्मी औरों के पत्थर हैं रास्ते में। तो ये वाला है ना, ये रास्ता है, बिल्कुल ये रास्ता है। और रास्ते के जस्ट इधर से ही जो है हमारा मकान स्टार्ट हो गया है। ये देखिए। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है हमारी दादी जी और ये है हमारी बड्डी जी। तो बड़ी नहीं है, मैं दादी जी बोल। ये देखिए, मेरी ताई जी ने ना कील चुबा दी है अभी अभी अपने पैरों में। ये देखिए बांध भी दिया है, तो अभी और पीठ में ले रखा है, क्या बोलते हैं हम इसको, बेटा बेटा। तो अभी खेत से आ रहे हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है मम्मी और मम्मी कर रही है मिट्टी की खुदाई। और यहाँ पे हमारी ऊपर से देख रही है हमारी ताई जी। सब अभी खेतों के काम में लगे हुए हैं। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे जो है मम्मी कर रही है मिट्टी की खुदाई, क्योंकि इस मिट्टी को है ना यहाँ पे पूरा बराबर करना है और यहाँ से ले जाके दूसरे खेत में डालेंगे। तो ये देखिए, ये है मेरा भाई यहाँ पे और ये है ननन जी। और ये है मेरे पापा, ये देखिए। और ये है मेरा बेटा जो कि ना मेरे पापा ने पकड़ा हुआ है, क्योंकि इधर उधर जा रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है आगे का, मैंने आपको फ्रंट बता दिया था, ये है बैक का। तो यहाँ पे देखिए, ये दो कमरे के दरवाजे हैं, आगे से अलग है, पीछे से भी अलग है। पीछे से इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे बनेंगे किचन, एक किचन वहाँ पे बनेगा शायद। और ये यहाँ पे बरामदा वगैरह पता नहीं क्या। और यहाँ पे बनेगी हमारी लेटरिन बाथरूम। तो ये देखिए, और ले चलती हूँ आपको थोड़ा सा अंदर। अंदर जो है ये एक रूम है। तो अभी तो इधर आपको कबाड़ा ही कबाड़ा पूरा दिखेगा, क्योंकि अभी तो बहुत सारा काम यहाँ बाकी है। तो ये देखिए लकड़ी है, जो जिस मतलब काम की लकड़ियाँ है, ये काम करने के लिए होगी। यहाँ पे किसी ने हमारे यहाँ गेहूँ रखे हुए हैं, पता नहीं किसने रखे हुए हैं। और ये है यहाँ पे रेत बजरी, जो कि एक रूम भरा हुआ है और एक अभी मतलब इससे ज़्यादा अभी सड़क में हमने रखा हुआ है, वहाँ से मम्मी लोग ला रहे हैं धीरे धीरे करके। तो ये है रूम, काफ़ी बड़े हैं। तो ये देखिए, और ये है सामने के दरवाजे, ये देखिए। देखिए यहाँ पे भी हमारी वो जगह है, वहाँ पे जो है रोड़ी आपको दिखेगी, पत्थर बारीक बारीक वाले। तो वहाँ तक ये जो यहाँ पे से ये वाला पत्थर मिल रहा है आपको, वहाँ पे वहाँ तक हमारी ये जगह है। वहाँ पे भी बाद में, अगर भविष्य में, फ्यूचर में, आगे, अभी तो यहीं पे बहुत सारा काम है, लेकिन आगे अभी जब काम होगा ना, तो उधर भी एक दो कमरे बन जाएगी आराम से। ले चल रही हूँ मैं आपको छत के ऊपर, छत के ऊपर से आपको बताती हूँ थोड़ा, क्योंकि जो ये हमारा घर है ना, ये नीचे की ओर बना हुआ है, आसपास खेत है।
ये देखिए ये पहुंच गए हैं हम छत के ऊपर। तो यहाँ से आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लोकेशन है, बहुत ही अच्छी सीनरी यहाँ से दिखती है। तो ये देखिए गांव जो है ऊपर की ओर रह गया है, और ये हमारे ताऊजी औरों का मकान जहाँ पे शादी थी। तो ये देखिए ये है नीचे, ये है रास्ता आने का, और ये है पूरा गांव, ये है ऊपर हमारा पहाड़, और ये है यहाँ पे बीएड कॉलेज जो कि आज ही कल बना है। 4 मंजिला है, बहुत बड़ा है, मतलब वहाँ कम से कम 150 रूम बने हुए हैं, 150 कमरे बने हुए हैं। और ये जा रही है रोड सड़क, ये हमारे यहाँ की सड़क है, ये आप देख सकते हो, ये देखिए। और ये जो सामने आपको दिख रहा होगा ये है साड़ा और थलन गांव, और ये है सामने से सारे खेत आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो आपको नीचे साइड देख रहे हैं ना खेत, ये है रोपाई वाले खेत, और ये जो ये ऊपर साइड वाले खेत है ये है बिना रोपाई वाले खेत, मतलब इनको हम उखड़ी बोलते हैं और इनको हम क्यारिक बोलते हैं। तो ये देखिए देखिए आपको ना जगह जगह जो है सब काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे आजकल खेतों में, क्योंकि बहुत सारा काम लगा हुआ है। ये देखिए आपको चारों जगह जो है सारे यहाँ पे औरतें दिखेंगी, और हल लग रहा है आजकल, और हल जो है हमारे यहाँ बैलों से ही लगाते हैं क्योंकि सीढ़ीदार खेत है। तो ये देखिए ये है सारे यहाँ पे इतने सारे बैल भी आपको दिखेंगे, ये देखिए ये देखिए। दोस्तों मैं भी आ रखी हूँ थोड़ा मम्मी के साथ, भाई के साथ हेल्प करने के लिए। तो मैं भी करूँगी अब थोड़ा सा काम, ये मिट्टी को ले जाऊँगी उधर की साइड फेंकने के लिए खेतों में। तो चलिए लग जाते हैं थोड़ा काम में। हम पहाड़ी है जना, हम सब काम करते पहाड़ी है जना, हम तमाशा नहीं लगाते, हम सामने हम पहाड़ी है जना, हम दूर से नहीं देखते, हम सीधे आते हैं और काम पे लग जाते जाते हैं हम काम में सीधे मिसे जाते हैं, और हम कोई भी काम कर लेते हैं आसानी से, बर्तन धोने से लेकर खाना बनाने तक। हमारा बस चले तो हम मकान भी बना दे, हमारा बस चले तो हम इनिंग मिनिंग ढूंगे लगा के घर भी बना सकते। पकड़ दे मां बेल से पकड़, ये वो फोटो खींचेगा। ये देखिए यहाँ पे निकल गया है छोटा सा चूहा, ये मेरी काई गिच्ची, रुको मैं हाथ पर पकड़ दूं। अब कहना था, अब कहना
ये करो ना छोटो छुटना है कौन बचे यार उच्च जी बकरे यू और है तेरी आज यू आज क्या है हटो 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 मैं छोड़ दूँगा नहीं अब तो बेटू ना खाने वो बेटू ना खाने जाए दादा वो भीड़ चिल्ले फिर वो कुछ खतरनाक आया यार खतरनाक आया सर में जलाए वाला कमाल का छन आया हम कुछ ना कर ये आ जा साला साहब है साला साहब ये घाट दिया साहब ये आज तोड़ा पहाड़ ये बजरंग बलिया भेजती वाली दी मैं पीछे काई लगा दोस्तों अभी जो है हमने पूरा मिट्टी का ढेर जो है फाइनल कर दिया है नहीं अभी फाइनल नहीं हुआ है अभी पूरा आज ये बराबर तो कर लिया है पूरा खेत बन गया है यहाँ पे लेकिन अभी ये कुछ बचा हुआ है और टाइम हो गया है 2 बज गए हैं और भूख भी लग गई है क्योंकि जब काम करते हैं ना तो भूख भी बड़ी जल्दी लग जाती है तो अब जाएंगे पहले घर खाना खा लेंगे फिर इस काम को हम जो है बाद में करेंगे तो चलते हैं घर के लिए और बाद में भाभी आएगी नहीं इतना मेरे को पता है क्यों नहीं आऊंगी मैं बाद में चलो दोस्तों आ गए हम अभी घर और आज मेरी दादी ने बना रखा है हमारे लिए खाना हम बहनों के लिए और मेरी ननंद के लिए तो ये देखिए ये भी यहाँ पे खा रही है और मेरा खाना भी जो है यहाँ पे है देखिए और ये है मेरी दादी ने बना रखा हमारे लिए खाना आज दोस्तों ये ब्लॉग जो है मैं अब यहीं पे समाप्त करती हूँ मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में तो तब तक आप मेरे वीडियो पे अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय जय भारत जय देवभूमि जय उत्तराखंड